कीड़ों से प्रोटेक्ट रहेगा। और ये मेरे जो लव बर्ड्स हैं सारे के सारे आज बहुत ज़्यादा साइलेंट है। अगर सुबह के टाइम पे मैं वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड तो इनका मेरा आवाज़ कम और इनका बहुत ज़्यादा रहता है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड कुछ इंडोर प्लांट्स के ऊपर है। हम इनको किस तरीके से वाटरिंग करें, यानी कि इनको कैसे पानी दें जिससे हमारे पौधों के पत्ते जो होते हैं फ्रेंड हमेशा चमकदार बने रहे, और जो भी प्लांट्स के पत्तों में कीड़ों का अटैक होता है वो कीड़ों का अटैक ना हो। मैं अपने जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं फ्रेंड उनको एक तरीके से पानी देती हूँ हफ्ते में एक बार, जिससे मेरे पौधों में किसी भी तरीके का कोई भी प्लांट में अटैक नहीं होता है कीड़ों का। लेकिन कुछ दिनों से, यानी कि कुछ 20 दिन हो गए थे फ्रेंड जो कि मैंने अपने पौधों के पत्तों में स्प्रे नहीं किया था, सारे पौधों के पत्तों में, तो इनमें कुछ कुछ कहीं कहीं मिली बग का अटैक हो गया है। तो मैं आपको दिखाऊँगी फ्रेंड यहाँ पर ये जो डेफिनबिकिया का प्लांट है इसके पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर। तो हम कई बार इनको अगर अच्छी तरीके से पानी नहीं देते हैं फ्रेंड तो बहुत सारे इनमें कीड़े का अटैक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये वाइट वाइट सा दिख रहा है ना यहाँ पे फ्रेंड, तो ये धीरे धीरे ये मिलीबग है और ये धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाता है। मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा इस तरीके से पत्तों के नीचे वाले एरिया में होता है फ्रेंड, और धीरे धीरे हमारा पौधा एकदम से ख़राब होकर मरने लगता है। और यानी कि वो इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है ना कि अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा और अंदर ही अंदर ये पूरा का पूरा पौधा ख़राब कर देता है। तो अपने इंडोर प्लांट्स को हेल्दी तरीके से ग्रो करना है और इनको पत्तों में आपको कीड़ों का अटैक नहीं चाहिए तो हफ्ते में एक बार मेरी तरह अगर आप पानी का छिड़काव करोगे, यानी कि पानी दोगे, तो आपका पौधा जो है बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। जैसे कि यहाँ पे मेरे कुछ प्लांट्स हैं फ्रेंड, तो कल मैं वीडियो जब मनी प्लांट का बना रही थी तो मैंने देखा यहाँ पे आप देख सकते हो मिलीबग का थोड़ा सा अटैक हुआ है, तो इसको भी उस तरीके से पानी देना है। सिर्फ आप हफ्ते में एक बार अपने पौधों को अच्छी तरीके से धोते हुए पानी देते हो फ्रेंड तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है बिना कोई कीड़ों के अटैक के। इसमें कीड़ों का अटैक ही नहीं लगेगा, सिर्फ एक बार आप पत्तों में उस तरीके से पानी दोगे तो। और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड ऐसी पत्तों के नीचे नीचे मिलीबग का अटैक होके रहता है। जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पर मिलीबग का अटैक है, तो सिर्फ इस तरीके से स्प्रे से आपको स्प्रे करना है अच्छी तरीके से। तो हफ्ते में एक बार अपने सारे इंडोर प्लांट्स में आप इस तरीके से स्प्रे करके पानी देते हो तो इसका कोना कोना एकदम से साफ हो जाएगा। इसमें ऐसे रोटेट करने से आपको जिस तरीके से स्प्रे करना है आप उस तरीके से स्प्रे कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे इसके अंदर से इस तरीके से अगर हम स्प्रे करके हफ्ते में एक बार पानी देते हैं हमारे पौधों को, तो जैसे कि यहाँ पे फ्रेंड ये वाला मिलीबग इस तरीके से आप धोते हुए अगर पानी देंगे तो कभी भी आपके पौधों के पत्तों में कोई भी कीड़ों का अटैक नहीं होगा, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो, मनी प्लांट हो, डिफिनबेकिया हो या कोई भी प्लांट हो। हमें अपने पौधों के पत्तों में हफ्ते में एक बार इस तरीके से स्प्रे करते हुए पानी देना है। और यहाँ पे फ्रेंड ये वाला जो मनी प्लांट था मैंने कल दिखाया था वीडियो में, यहाँ से मैंने ढेर सारी कटिंग ली है और मैं उन कटिंग को आपको दिखाऊंगी। मैंने बहुत सारे इसमें से भी कटिंग बना लिए हैं। और पौधों को इस तरीके से पत्तों को अगर हफ्ते में एक बार आप स्प्रे करते हुए पानी देते हो तो हर कीड़ों से प्रोटेक्ट रहेगा। और ये मेरे जो लव बर्ड्स हैं सारे के सारे आज बहुत ज़्यादा साइलेंट है। अगर सुबह के टाइम पर मैं वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड तो इनका मेरा आवाज़ कम और इनका बहुत ज़्यादा रहता है। और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं इसीलिए इनका थोड़ा सा आवाज़ कम है, अभी वो चिल्ला रहे नहीं है। और ये बर्ड्स मेरे पास करीब 7 साल से है फ्रेंड, तो मुझे उनकी आवाज़ की आदत ही पड़ गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड मैंने ढेर सारे मनी प्लांट के इस तरीके से कटिंग लिए हैं, ये कटिंग है, और मैं इनको सबको पानी में लगाने वाली फ्रेंड। और जब रूटिंग हो जाएगी तो मैं इनको इसमें मिट्टी में ग्रो करूँगी फेब्रुअरी में। और यहाँ पे मैंने एक ये बुद्धा बेली का प्लांट है फ्रेंड, मैंने पहले वीडियोस में दिखाया भी है, तो मैंने बुद्धा बेली का प्लांट डाला था तो मेरे व्यूवर्स ने उनका पौधा कुछ ख़राब सा हो रहा था इसलिए मैंने वो वीडियो डाला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बुद्धा बेली का प्लांट, एक ही प्लांट मेरे बालकनी में है, बाकी सारे के सारे प्लांट मेरे यानी कि छत पर ही है। लेकिन ये वाला जो प्लांट है मैंने एकदम से बालकनी के उस साइड में रखा है जहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ब्राइट लाइट आती है, और वो एक वेस्ट बॉटल में लगा हुआ है और मैंने कुछ पेंट किया है उसको, फिर भी ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है, छोटा सा पौधा है फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।